करियो, आप सबको बैसाखी की लख लख बधाइयां। ये हम लाख लाख बधाई क्यों नहीं क्यों बोलते हैं, करोड़ करोड़ और बधाई क्यों नहीं बोलते हैं? आज से 50-100 साल पहले लाख बहुत होता था, आज 100 करोड़ की बात होती है। तो बैसाखी के इस पर्व पे मैं गुरुओं की बात नहीं कर रहा, बैसाखी के इस पर्व पे मैं बात नहीं कर रहा कि हम कैसे बैसाखी मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं शब्द पे अटका हुआ हूं, वह शब्द है लख लख बधाइयां। ये जो टर्म्स है ना, हमारी साइकी की बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स है। लखपति हो गया, लखपति आज उसकी वर्थ क्या है, वी नो ऑल। एक ये मोबाइल फोन ही लाख रुपए से ज्यादा का। लोगों के नाम होते थे हजारी प्रसाद, अदलखा, हजारी प्रसाद नाम थे लोगों के, लोगों के नाम थे अदलखा। सो ये जो शब्द है हमारी साइकी में आ जाते हैं, वो आपको मुझको सोचने को मजबूर करते हैं कि हमारे दिमाग से नंबर कितने गए। ये जो नंबर्स हैं हमारे खेल हैं, और यही सारी आज की हमारी विचार है कि जो नंबर का खेल है वो बड़ा विचित्र हो चुका है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे रिश्तेदारों की विवाह का विज्ञापन आता था, मैट्रिमोनियल कॉलम में लिखते थे तो लिखते थे, मैं 84-80 की बात कर रहा हूँ, 1980 के करीब की, कि इनकम इन फोर फिगर्स, 1000 रुपये। आज 1000 रुपये कुछ नहीं है। सो व्हाट इज इन द नंबर्स प्लीज। ये है साइकी, ये साइकी है। और हम मनी को एक दिमाग के नंबर से खेलते हैं, और वो नंबर हमारे सामने जुड़ जाते हैं। तो आज से 70-80 साल वाले व्यक्ति को बोलो लाख रुपये, तो इतना पैसा। और टीनेजर को बोलो दैट्स 700,000 रुपीज। इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष है नंबर्स का, हमारी साइकी का, हमारे दिमाग में बैठे हुए इम्प्रिंट हुए नंबर का। आज कोई कहे कि सोना में 70,000 तोले, 75,000 तोले पहुंचा है, तो कोई कहे 50,000 का मिल रहा है, तो आप भाग जाएंगे। लेकिन आज से 50 साल पहले क्या रेट था, वी ऑल नो। मुझे बहुत पुरानी घटना याद आती है अपनी नानी की। हम छोटे बच्चे थे, नानी के पास जाते थे, और नानी की मेमोरी पुरानी हो गई थी, मतलब उनको लेटेस्ट नहीं था, उनको पुरानी बातें याद थी, अल्जाइमर कहते हैं उनको। ये उनकी मेमोरी 1955 तक की रह गई थी, उसके बाद की उनकी मेमोरी नहीं थी। तो वो भिंडी चिल रही होती थी तो हम कहते थे पापी, तो उन्हें पता है भिंडी 40 रुपये किलो है आज, तो रोती कहती थी नहीं सोना की, ये कोई सोना है जो 40 रुपये किलो है। हमारे थॉट में नंबर्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं, और उसको तोड़ मुश्किल है। और नंबर उम्र से भी होते हैं। आज से 100 साल पहले 60 से ये 60 आ गया, आज से 100 साल पहले कहते ये 60 आ गया, और आज 60 आ गया मतलब नथिंग बिग डील। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 80-90 की उम्र की बात कर रहे हैं। अगेन कमिंग बैक टू द नंबर्स, सो हाउ मेनी इयर्स यू हैव इज अ नंबर। लाइफ इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ मूवमेंट। मनी इज नॉट अ नंबर, इट इज द एंजॉयमेंट एट दिस मूवमेंट। सो यू मे हैव 100,000 रुपीज, इस मूवमेंट में वो कुछ ना हो, और यू मे हैव 10 रुपीज और इस मूवमेंट में बहुत। अब ये नंबर अध्यात्म में क्या आते हैं, ये अध्यात्म के नंबर का सिलसिला क्या से आता है? आप सोचते हो मैंने 2 घंटे माला जपी, मैंने 1 घंटे माला जपी, मैंने 8 घंटे
उपवास किया, मैंने 4 घंटे ध्यान किया, मैंने 2 घंटे अध्ययन किया. दिस इज ऑल नंबर. व्हाट इज द यूज ऑफ दोज नंबर इफ इट डजंट गेट्स यू? व्हाट इज द यूज ऑफ 100,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए का क्या फायदा जब वो आज आपके काम ना आ सके उतना. तो इट इज नॉट द क्वालिटी क्वांटिटी, इट्स अ क्वालिटी. तो कितना टाइम आप अध्यात्म में बैठते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट्स अ क्वालिटी ऑफ टाइम. सो घर तुलसीदास जी ने कहा, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध. सो हमारी जो टाइम है, हमारा जो नंबर्स है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हजारों लाखों में से कोई एक बिरला आएगा. आज से 5,000 साल पहले 1,000 का मतलब आज क्या हुआ? आज से 5,000 साल पहले किसी की 1,000 रुपए तनख्वाह थी तो आज उसका मंशा क्या हुई? तो ये नंबर के पीछे मत जाइए. और अध्यात्म में भी हम नंबर्स के पीछे जाते, मेरे कितने चेले हैं, मेरे कितने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे यूट्यूब में कितने सब्सक्राइबर हैं. बाय द वे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. वो मुझे नहीं है, वो यूट्यूब के लिए, वो फिर हमें फैसिलिटीज ज़्यादा मिल जाती. जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, आई डोंट हैव अ मोनेटाइजेशन, लेकिन सब्सक्राइबर से आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है. सो ये फ़र्क नहीं पड़ता कितने सब्सक्राइबर है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग सुन रहे हैं. एक भी सुन ले मेरी बात, एक भी व्यक्ति को समझ आ जाए, आई मेड माई डे. एक अक्षावनी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 64,610 घोड़े, 109,350 पैदल सैनिक एक बटालियन में, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 64,610 घोड़े, 109,350 पैदल सैनिक एक बटालियन में. ऐसे 18 बटालियन थे, 48,00,000 लोग महाभारत के युद्ध में आए थे, बट सुना कितनों ने? एक ने, एक अर्जुन ने, और उसने इतिहास रच दिया. एक अर्जुन और कृष्ण के संवाद ने अनादिकाल तक प्रसिद्धि दे. So what's in the number? It is not the quantity, but the quality of number which is important. Sochega's part.